हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बनाएंगे रोज़ कोकोनट लड्डू, जो कि हमारी दिवाली सीरीज़ की थर्ड रेसिपी है। देख सकते हो आप लोग कितने टेस्टी और कितने मुंह में घुल जाने वाले लड्डू हमने बनाए हैं। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसके लिए मैंने मिल्क पाउडर लिया है, डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा और मिश्री। इसमें हम चीनी का कोई भी यूज़ नहीं करेंगे, सो ये और ज़्यादा अच्छे और हेल्दी बनेंगे। चीनी में बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं, सो थोड़ा नुकसान भी करती है, इसलिए मैंने उसकी जगह पर मिश्री का यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने एक चम्मच देसी घी लीड डाला है। उसको पूरे में अच्छे से फैला दें इस तरीके से। अब मैंने उसमें जो कोकोनट का जो बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट है वो डाल दिया है, और अच्छे से इसको स्लो फ्लेम पर ही चलाएँ, बिल्कुल भी फ्लेम को हाई ना करें। धीरे धीरे इसको इस तरह चलाते जाएँ ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। अगर आप तेज़ करोगे तो ये जल सकता है, इसलिए अच्छी तरीके से इसको ऐसे भूनते जाएं। आप देख सकते हो अब ये बहुत थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है, क्योंकि ये पहले से थोड़ा सा बहुत अच्छी खुशबू भी दे रहा है, क्योंकि हमने अच्छे से इसको भून लिया है घी के साथ। बहुत ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है, बस अभी ये हो गया है। अब हमें जो इसमें दूसरी चीज़ ऐड करनी है वो है एक कप दूध। वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, गर्म दूध ना हो। एक कप भर के मैंने दूध डाला है इसमें। और दूसरी चीज़ मैंने डाली वो है मलाई। ये भी दूध के ऊपर जो एक लेयर जम जाती है वो मलाई मैंने डाली है। अब ये थोड़ा सा देखिए पानी जैसा इसमें यानी दूध आ गया, तो थोड़ा लिक्विड हो गया है। इसको हमें मीडियम फ्लेम पर चलाते जाना है। अब मैंने इसमें एक छोटी कटोरी डाला है मिल्क पाउडर। अब इन चीज़ों से इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे इसमें हमने मावा यूज़ करा हो, बट ये उसका यूज़ हमने किया नहीं है, केवल दूध डालकर हमने इसको बनाया है। इसको धीरे धीरे चलाते जाएं, इतना टेस्टी बनेगा, एकदम सॉफ्ट, एकदम आपको लगेगा कि एकदम बहुत ही टेस्टी मिठाई हमने झटपट बना ली है। इस दिवाली इसको ज़रूर ट्राई करें। अब मिश्री को थोड़ा सा मैंने तोड़ लिया है, आप कैसे भी इसको तोड़ सकते हो, क्योंकि एकदम बहुत बड़े बड़े पीस है, मिक्सी में अच्छे से नहीं पीसेंगे। इन सबको एक जार में डालें और इनका अच्छा सा एक पाउडर बना लें। लगभग एक बड़ी कटोरी भर के मिश्री को मैंने लिया है। अब मैंने इसका पाउडर बना लिया है, देख सकते हो आप लोग। एक बार चेक कर लें इसमें अगर थोड़े पीस रह गए तो दोबारा से एक बार चला लें। देखिए इसमें भी रह गए हैं, एक बार दोबारा चलाया मैंने। अब आप देख सकते हो कि इसमें एकदम पाउडर हो गया है। ये एक बड़ी कटोरी भर के हमारा मिश्री पाउडर अब रेडी हो गया है। इसको हमें अब लड्डू में यूज़ करना है मिठास लाने के लिए। अब ये लड्डू एकदम हेल्दी है, इसमें ना चीनी है, ना गुड़ है, ना मावा है, और ये उनके बिना ही इतने टेस्टी लड्डू हमने बना लिए हैं। इसको लगातार चलाते जाएं। मिल्क पाउडर मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है। इसको लगातार चलाते जाना है हमें, बिल्कुल भी ये चिपक ना जाए तली के ऊपर। फ्लेम को अभी भी स्लो रखना है। अब देखिए मैंने इसमें मिश्री भी ऐड कर दी है, सो थोड़ा सा ये गीला हो गया है। अभी हमें इसको ठीक से चलाते जाना है, एकदम इसको हमें ड्राई करना है, क्योंकि हम जब भी चीनी डालते हैं तो थोड़ा पानी उसमें हो जाता है, पानी छोड़ती है चीनी। सो मिश्री ने भी ऐसे ही कुछ काम किया है। अब मैंने इसमें रोज़ सिरप ऐड किया है, इसको रोज़ फ्लेवर वाला लुक देने के लिए। इसका कलर भी सुंदर हो जाएगा और इसका टेस्ट भी एकदम बढ़िया, एक नॉर्मल जो लड्डू हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा अलग टेस्ट हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है और बहुत ही टेस्टी। सो हमने इसको देखिए, इसको हम अच्छी तरीके से हम चलाते जा रहे हैं। सो ये देखिए तली छोड़ने लगा है, ये इसकी पहचान है कि अभी बिल्कुल रेडी होने लगा है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा इसको और पकाना है, क्योंकि अभी ये इसमें थोड़ा गीलापन है। चलाते जाएं इसको इस तरीके से। अब आप देख सकते हो ये और ज़्यादा सूख गया है, बिल्कुल अलग होने लगा है तली से। अब ये पूरी तरह अच्छे से सूख गया है और एकदम से अब हमें इसको निकाल लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो गया है लड्डू बनाने के लिए। लेकिन अभी हमें इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। हमें फैन के नीचे इसको रख दीजिए। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है, 10 मिनट बाद हम देख रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी लगाया है, थोड़ा सा बिल्कुल। अब हमने इसको लड्डू की शेप में इसको देना है, आराम से बन जाएंगे, ना चिपकेगा ना टूटेगा, क्योंकि ये हमारा जो बैटर है बिल्कुल बढ़िया रेडी हो चुका है जैसे हमने बनाया था। अब आप देख सकते हो मैंने बढ़िया सा एक गोल सा एक लड्डू बना लिया है कोकोनट का, और इसको इस पाउडर में यानी कि जो डेसिकेटेड कोकोनट हमारे पास थोड़ा सा उसका पाउडर है उसमें रैप कर दीजिए। बिल्कुल देख सकते हो आप, लग रहे हैं ना बढ़िया वाले लड्डू जो हमने घर में बना लिए हैं।
देखिए इस दिवाली आप इसको ज़रूर बनाएं, शेयर करें अपनों के साथ। आप देख सकते हो लड्डू बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको मैंने डेकोरेट किया है थोड़ा सा फूड कलर के साथ। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप जो प्लेन लड्डू हैं वो भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो ये इस तरीके से बना सकते हो प्लेन भी और इस तरह से डेकोरेट भी करके। लेकिन आप देख सकते हो बिल्कुल मार्केट जैसे लड्डू हमारे रेडी हो चुके हैं। सो दोस्तों इस दिवाली आई थिंक आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और आप देख सकते हो कितने सॉफ्ट हैं, इसको आप खा के देखेंगे ऐसे बस मुँह में ये घुल जाते हैं। इतने टेस्टी और बढ़िया लड्डू बना दिए हैं और बहुत जल्दी ये बन गए। सबसे बड़ी बात है इसमें टाइम बहुत ही कम लगता है। अब हम इसे एक मिठाई के बॉक्स में देखिए इस तरह से गिफ्ट पैक बनाएंगे, वो आप किसी भी अपनों को दे सकते हैं। इस तरीके से मैंने उसमें लड्डू रखे हैं और एक पुराना मिठाई का जो भी बॉक्स आपके पास हो उसमें रख दें तो बिल्कुल लगेंगे जैसे हमने ये बाहर से ही खरीदे हैं। सो दोस्तों आई थिंक आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। सो दोस्तों हमारे सीरीज़ की तीसरी रेसिपी है और आगे भी मेरी इस सीरीज़ को आप लोग देखते रहिए, सपोर्ट करिए और अगर हो सके तो अच्छे से कमेंट किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।